तो चलिए सुबह सुबह के 8 बजने ही वाले हैं और शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है, हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई खबर। आपको बता दें आज ईडी की पूछताछ संभव है। दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि ईडी के जो अधिकारी है वो हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं सोरेन, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कल्पना को सीएम बनाने पर सोरेन परिवार में घमासान मचा हुआ है। हेमंत सोरेन की भाभी और भाई भी सीएम पद के दावेदार हैं, तो ऐसे में अब परिवार में ही घमासान मचा हुआ है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि आज उनकी गिरफ्तारी संभव है। झारखंड में सेना की जमीन घोटाले से जुड़ा मामला है, जिसको लेकर ईडी जो है वो सवाल जवाब हेमंत सोरेन से करेगी। आपको बता दें पिछले कई घंटों से हेमंत सोरेन जो है वो लापता बताए जा रहे थे, लेकिन उनके मंत्री ने कहा था कि आज ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए वो सामने आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। तो हेमंत सोरेन से आज ईडी की पूछताछ होगी और दोपहर 1 बजे सीएम आवास में ये पूछताछ हो सकती है। आपको बताते हैं आज सीएम हेमंत सोरेन की अगर गिरफ्तारी हो गई तो फिर झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी अटकलें जो है वो सियासी गलियारों में तेज हो गई है। हेमंत सोरेन की पत्नी को, भाई को या भाभी को, क्योंकि विधायक दल की बैठक में इन सभी को आते जाते देखा गया था। तो अब सवाल यही है कि हेमंत सोरेन नहीं तो फिर झारखंड का सीएम कौन होगा। जमीन घोटाले के आरोप में घिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आज ईडी से सामना होगा। सीएम आवास पर दोपहर 1 बजे ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। सेना की जमीन घोटाले मामले में ईडी के हाथ जो नए दस्तावेज लगे हैं, इसके अलावा हेमंत के दिल्ली आवास से 36 लाख कैश और बेनामी संपत्ति से खरीदी गई BMW कार मिली है, उसने हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हालांकि ईडी के पास हेमंत सोरेन को लेकर पहले से ही कई सबूत हैं, जिसमें डायरी से लेकर कुछ अहम दस्तावेज शामिल हैं। हेमंत सोरेन जिस तरह से ईडी के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, उस पर बीजेपी उन्हें डरपोक सीएम करार दे रही है। अब लापता थे तो कहाँ भाग गए थे, बताना चाहिए ना। अरे जिस राज्य के मुख्यमंत्री पुलिस से डरता हो, CBI से डरता हो, ईडी से डरता हो, अफसर से डरता हो, तो अफसरों से काम वो कैसे करा सकते हैं। तो ऐसे डरपोक अगर कोई मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे रहेंगे तब तो इस राज्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए आप इनको तो हटना ही चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए, और नहीं तो उनके पार्टी के लोगों को भी कहेंगे कि भाई इनको हटाओ यहाँ से। बीजेपी के हमले से तिलमिलाई JMM ने भी पलटवार करते हुए सवाल खड़ा किया कि जब पूछताछ आज होनी है तो किसके आदेश पर समय से पहले दिल्ली आवास पर ईडी पहुंची। जब माननीय मुख्यमंत्री ईडी को बुलाए 31 को, तो किसके आदेश पे ईडी? समय के पहले माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली के सरकारी निवास में पहुंचते हैं। JMM को आशंका है कि ईडी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर सकती है। इसके लिए अब हेमंत सोरेन ने बी प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसकी बानगी सीएम आवास पर हुई विधायकों की बैठक के दौरान देखने को मिली। मीटिंग में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो पत्नी कल्पना उनकी जगह ले सकती है। देखिए काफी लुकाछिपी के बाद आखिरकार अब ये बात पुष्ट हो गई है कि आज ईडी की पूछताछ जो है हेमंत सोरेन के साथ होगी। सवाल यही कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं तो झारखंड का मुख्यमंत्री कौन। हमारे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस पूरे मामले पर अधिक अपडेट्स लेंगे। प्रियांक, बड़ा सवाल यही है कि पूछताछ कब होगी, क्या क्या सवाल दागे जा सकते हैं और क्या गिरफ्तारी भी मुमकिन है आज हेमंत सोरेन की। जी, आज 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब सीएम के जो सचिवालय है उसकी तरफ से ईडी को पत्र लिखा गया था और बताया गया कि आज 1 बजे के करीब सीएम से पूछताछ की जा सकती है। इसको लेकर के ईडी के अधिकारी यहां सीएम आवास पे पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। पिछले पूछताछ में हेमंत सोरेन ने एक पत्र में लिखा था कि 17 सवाल पूछे गए थे और उन्हें पॉलिटिकल साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सोमवार की सुबह से लेकर देर रात तक जो
ईडी की छानबीन चली, उसमें 36 लाख रुपए कैश मिले और गाड़ियां मिली। और ईडी का कहना है कि कई एक नए सबूत भी मिले हैं जिसको लेकर के हेमंत सोरेन से आगे की पूछताछ की जाएगी, तो ये मामला काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। वहीं इस पशुपेश में कि क्या अगर ईडी उनकी गिरफ्तारी करती है, कल देर रात तक दो मैराथन राउंड ऑफ मीटिंग चली जिसमें प्लान बी की तैयारी कर ली गई है। अब हेमंत सोरेन देखेंगे कि क्या अगर ईडी के सामने वो एक मार्टर की तरफ यानी एक शहीद की तरफ पेश होना चाहते हैं या अपने जनता के सामने जाकर के वापस अपनी धनपति को सीएम बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल, नजर हमारी बनी रहेगी प्रियांक इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो टाइम्स नाउ नव भारत पर तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे। जब हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी, वो पूछताछ के लिए जाएंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और क्या झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आज गिरफ्तारी संभव है ये बताया जा रहा है, उस पर भी तमाम अपडेट टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देखते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। और बड़ी खबर जो है वो आप हमारे इर्द गिर्द देखकर समझ जाएंगे, मौसम से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर आज एक बार फिर कोहरे की घनी चादर में लिपटा नजर आ रहा है। कोहरे की मार से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों का अब जीना मुहाल हो रहा है। मौसम विभाग का फिलहाल अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में सर्दी कम होने के अभी कुछ दिनों तक आसार तो नहीं है। देर रात भी सड़कों पर कोहरे का प्रचंड प्रहार देखने को मिला और अभी भी ये तस्वीरें आप देख पाएंगे तो हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में जो तस्वीरें दिख रही हैं और जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए किस तरीके से मौसम जो है उसमें कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम है, शून्य के करीब पहुंच गई है। कई ट्रेन लेट बताई जा रही हैं। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड पड़ी है, इसके साथ शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। लेकिन दो दिनों से राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोहरे की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। आज भी आपको बता दें कि पालम एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी 0 मीटर दर्ज की गई है। वहीं सड़कों का हाल आप देख सकते हैं। सुबह सुबह अगर बात करें, इस वक्त दिल्ली में विजिबिलिटी जो है वो 50 से 100 मीटर के अंदर है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पे 0 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। लिहाजा ठंड की अगर बात करें तो कल के मुकाबले सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज सफदरजंग का जो तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। आने वाले समय में मौसम विभाग ने कहा है कि हल्की बारिश की भी जो उम्मीद है वो दिल्ली और आसपास की जगहों पर जताई जा रही है। इसके साथ अगर बात करें तो आने वाले 5 फरवरी तक राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को कड़ाके की सर्द झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन रितेश पांडे के साथ भावना किशोर, टाइम्स नाउ भारत के लिए। और आपने भावना किशोर की रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर कोहरे की मार झेल रहा है। इस वक्त खुद भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें दिखाएंगी, मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान जताया गया है वो भी बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो कर्तव्य पथ पर है। आप मेरे पीछे देखिए कि मात्र 20 मीटर की विजिबिलिटी होगी या उससे भी कम दर्ज की जा रही है, क्योंकि आपको इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा होगा। आज सड़कों पे अंधेरा छाया हुआ है। कोहरे की अगर बात करें तो ये घना कोहरा और पूरे सीजन की अगर बात करें जनवरी महीने की तो सबसे ज्यादा कोहरा आज दर्ज किया गया है। लगातार हमने देखा कि किस तरह से कल भी जो कोहरा था वो बहुत ज्यादा था। वहीं पालम एयरपोर्ट पर स्थिति ऐसी है कि 0 मीटर विजिबिलिटी है, कई सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं, कई सारे डिलेड हैं, अराइवल में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है। फिलहाल सड़कों का हालत देखिए, इस वक्त 8 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन सड़कों पर आप देखिए किस तरह से घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है, सड़कों पर अंधेरा सा दिख रहा है। वहीं लोग जो है वो फॉग लाइट का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही देखिए किस तरह से आपको गाड़ियां जो है वो नजर नहीं आएंगी इस वक्त सड़कों पर। तो अगर बात करें एनसीआर की नोएडा गाजियाबाद तो इसी तरह से तस्वीर है। आज मौसम विभाग ने बताया है कि किस तरह से डेंस फॉग की जो कंडीशन है ना ही केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा पंजाब में देखने को मिल रही है, जहां पर कई इलाकों में आज विजिबिलिटी जो है वो 0 मीटर दर्ज की जा रही है। आपको सड़कों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर आपको गाड़ियों की तस्वीर नजर नहीं आएगी, इसलिए लिहाजा जो लोग घर से निकल रहे हैं काम पर जाने के लिए उनके लिए आज थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर इस वक्त 8 बज रहे हैं लेकिन घना कोहरा और अंधेरा जो है वो छाया हुआ है। जी बिल्कुल भावना, तस्वीरें जो आप दिखा रही हैं और अभी हम भी ऑफिस प्रमाइसेस में हैं, जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं वो ये बता रहा है कि आज विजिबिलिटी जो थी काफी कम है। और भावना बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। लेकिन ज्योति, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ घना कोहरा देखने को मिला है, विजिबिलिटी कम है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में देखिए किस तरीके से बर्फबारी जो है वो जा रही है। और देखिए बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि उसकी वजह से जो
जमीनी इलाके हैं वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बर्फबारी की वजह से अब हर जगह ठंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये अद्भुत सुंदर और मनमोहक नजारा, आसमान से बर्फ गिर रही है, कुदरत के असीम तोहफे से वादियां गुलजार हो गई हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल में कुदरत मेहरबान है। दोनों पहाड़ी राज्यों से बर्फबारी शुरू हुई तो देश भर से लोग इन राज्यों का रुख करने लगे। तस्वीरें डलहौजी की हैं, जहां बर्फबारी शुरू हुई तो नजारा ही बदल गया। जोरदार बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी का ये नजारा हिमाचल की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में भी देखने को मिला। जोरदार बर्फबारी से कई इलाकों में नदी नाले और झील जम गए हैं, तो वहीं कड़ाके की ठंड से लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है। हालांकि बर्फबारी की वजह से यहां सैलानी खींचे चले आ रहे हैं। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं। तो वहीं हिमाचल के कुल्लू से लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो सामने आया है, जहां रायसन के पास अचानक लैंडस्लाइड होने से कोहरा मच गया। पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं। विभाग ने अगले दो दिन बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन बर्फबारी से पहले ही पहाड़ टूटने लगे। मंगलवार को चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पहाड़ अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। पूरी खबर क्या आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पहाड़ दरक रहे हैं, दरकते पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से धूल का एक बड़ा गुबार भी मौके से उठता दिखाई पड़ रहा है। आसपास लोगों की भीड़ जमा है, लेकिन जैसे ही पहाड़ का दरकना तेज होता है, आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है। हर कोई वहां से दूर भागने के लिए दौड़ लगाता नजर आता है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आई हैं, जहां कुल्लू और मनाली के बीच रायसन के डोहलू नाला के पास पहाड़ दरका तो चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जब पहाड़ से मलबा गिरना शुरू हुआ तो उस दौरान कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, लेकिन चश्मदीदों की माने तो रायसन से पतली कूहल जाने वाले इस रास्ते पर अचानक पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हो गए। पत्थरों को गिरता देखकर लोगों ने अपने अपने वाहनों को रोक दिया। तभी अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरना शुरू हो गया। लैंडस्लाइड की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और सड़क पर मौजूद वाहनों को वायानगर होते हुए कुल्लू के लिए भेजा गया। और अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के आगरा से दिखाते हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। आग की चपेट में कई मकान आ गए और इसके चलते काफी नुकसान हुआ है। जरा सोचिए जिनका घर बार सब कुछ जड़ गया हो। फिलहाल हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं हमारे सपोर्ट में। पूरा इलाका आग से धधक रहा है, चीख पुकार मची है, भागम भाग मची है। भीड़ आग बुझाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, कोई पानी डाल रहा है, कोई आग के आसपास मौजूद लोगों को पीछे कर रहा है। तस्वीरें आगरा से सामने आई हैं, जहां एक इलाके में आग लगने से कोहराम मच गया। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखी। आग मोहल्ले के कई घरों में लगी, जिसके बाद फैलती चली गई और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही लोगों में भगदड़ मच गई, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे और महिलाएं डर से चीखने चिल्लाने लगे। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि उस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर इस हादसे में कई मकान जलकर खाक हो गए हैं। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इधर राजस्थान में हिजाब पर हो रहे हंगामे ने अब नया मोड़ ले लिया है। मुस्लिम छात्राएं आर पार की लड़ाई के मूड में। हिजाब वर्सेस बाबा की इस लड़ाई में अब बाल मुकुंद अकेले नहीं है, बाबा को सरकार का साथ मिल रहा है। स्कूलों में हिजाब नहीं चलेगा, इस तरफ सरकार ने इशारा खुलकर कर दिया है, लेकिन इस पर छात्राएं क्या कहती हैं आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। हिजाब को लेकर क्या कहेंगे? हिजाब को लेकर हम हिजाब तो हम पहनेंगे ही, पति माता की जय, लला मैया की जय, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे।
जयपुर में शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लड़कियां कह रही हैं कि हिजाब तो जरूर पहनेंगे, तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा है ड्रेस कोड मानना ही पड़ेगा। ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है, इसलिए स्कूलों में ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा। दरअसल 26 जनवरी को स्कूल के फंक्शन में बीजेपी विधायक आचार्य बालमुकुंद वहां पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया, जिसके बाद स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां भड़क गईं। मुस्लिम लड़कियों ने जमकर बवाल काटा। जयपुर के गंगापोल के सरकारी स्कूल में हुए हिजाब विवाद में अब बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दावा है कि स्कूल में हर शुक्रवार को नमाज पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल के एक कोने में मस्जिद होने का दावा भी किया जा रहा है। जो शुक्रवार को वो इससे वाली प्रार्थना होती है ना, कौन सी वाली? नमाज वाली प्रार्थना होती है। क्या करते हैं उसमें? उसमें ऐसे खड़े हो जाते हैं। कैसे दिखाई है, हाथ दिखाई कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे हाथ कराए, क्या बुलवाते हैं? एक प्रेयर होती है मोमटनों की, वो वाली। सिर्फ मस्जिद की पूजा होती है। टीचर क्या कहते हैं? टीचर तो कुछ भी नहीं कहते, टीचर तो सिर्फ वहीं पूजा करते हैं। हिजाब पर हो रहा विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो हिजाब को लेकर काफी घमासान मचा था। सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब को बैन कर दिया था। अब इसी तरह का मामला राजस्थान में भी दिखाई पड़ रहा है। इतना हादसा सामने आया जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में पूर्व सांसद, उनकी पत्नी और बेटे सवार थे। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई और बताया जा रहा है कि एक मौत तो मौके पर ही हो गई। रिपोर्ट आप देखिए। अलवर में भयंकर हादसा, पूर्व सांसद की पत्नी की गई जान, कार के उड़े परखच्चे। जिंदगी में कब कहां क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हुआ बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जासोल के साथ, जो पत्नी बेटे के साथ दिल्ली से जयपुर आ रहे थे। मंगलवार की शाम अलवर के नौ गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पुल के डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह के मौके पर ही मौत हो गई। खुद पूर्व सांसद और उनके बेटे हमीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में मानवेंद्र सिंह की पसली टूट गई, बेटे हमीर के हाथ और नाक में फ्रैक्चर है, सभी का इलाज चल रहा है। बता दें मानवेंद्र सिंह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन इस भयंकर हादसे के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या गाड़ी में एयर बैग नहीं खुले थे? क्या गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी? क्या झपके लगने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई? ये वो सवाल हैं जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट में दाखिल ईडी के हलफनामे से खुलासा सामने आ रहा है। सुकेश के बारे में पहले से जानती थी जैकलिन, ये ईडी के हलफनामे में बात साफ हो रही है। जानकारी के बावजूद जैकलिन ने गिफ्ट लिए। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, जिनसे गिफ्ट लेने को लेकर जैकलिन भी लगातार सवालों के घेरे में थी, अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि ईडी के हलफनामे में ये बात साफ हो गई है कि सुकेश के संपर्क में थी जैकलिन, उनके कामकाज के बारे में जानती थी। सुकेश चंद्रशेखर दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में सजा काट रहा है, जेल में बंद, और ऐसे में जैकलिन फर्नांडिस जो उनसे गिफ्ट लेती थी, पैसे लेती थी, सवाल इस बात को लेकर था कि क्या उनको जानकारी है इस बात की या नहीं है। और हलफनामे में जो ईडी ने हलफनामा दाखिल किया उसमें ये बात साफ हो जाती है कि ये जैकलिन को सब कुछ पता था। अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, यहां से जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जैकलिन ने बाकायदा हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और पीएमएलए का जो मुकदमा है उसे खारिज करने के लिए ये दाखिल किया गया था, लेकिन इसके जवाब में ईडी ने साफ तौर पर जो जवाब दिया कोर्ट में दाखिल किया है उसमें साफ तौर पर ईडी ने बताया है कि किस तरीके से जैकलिन जानती थी सुकेश चंद्रशेखर के बारे में और उसके बाद उन्होंने उससे महंगे गिफ्ट लिए और तमाम जो कैश है वो लिए। जाहिर तौर पर जैकलिन की तरफ से ये बताया गया था कि वो खुद सुकेश चंद्रशेखर का शिकार हुई है, वो सुकेश चंद्रशेखर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन इस हलफनामे में साफ तौर पर ईडी ने बताया है कि वो भली भांति जानती सुकेश के बारे में और कहीं ना कहीं
हाँ। जैकलीन ने जानबूझकर आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से अपराध से अर्जित हाल फिलहाल में देखने को मिला कि जैकलीन को विदेश जाने की भी इजाजत मिली। हाल फिलहाल में देखने को मिला कि जैकलीन को कई रियायतें मिल रही थी। क्या इस हलफनामे के बाद वो सारी रियायतें जैकलीन को मिलना बंद हो जाएंगी, या फिर हम इस तौर पर भी देखें कि हो सकता है कि जैकलीन की गिरफ्तारी भी हो जाए? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई है। जाहिर तौर पर उसके बाद सही मायने में चीजों के बारे में पता चल पाएगा। लेकिन ये जो दाखिल किया गया था जैकलीन की तरफ से, वो पीएमएलए का मुकदमा खारिज करने के लिए दाखिल किया गया था। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अब जवाब ईडी की तरफ से दाखिल कर दिया गया है। ऐसे में अब 15 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई है। जी ठीक है अनुज, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।